खुद भ्रष्टाचारी हैं, वो क्या बोलेंगे? अडानी अंबानी के गोद में पड़े रहते हैं, वो सब किस मुंह से बोलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार नेता भारत वर्ष में आज तक अभी तक नहीं देखा था मैं अपने जीवन में, तो इसलिए इनसे कोई टक्कर लेने के लायक ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ी सौगात दी है, सिमरिया का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। देखिए, ये संपूर्ण बिहार के लिए ये सौगात है, और जितने लोग जो एक धर्म स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, और नीतीश कुमार हमारे जो धरोहर इतिहास है उसको बरकरार रखने में विश्वास रखते हैं, हर एक धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं। और आप देखिए, यहाँ पे जब ये बन जाएगा, आपको भी जानकारी हो कि आदिकाल से यहाँ पे कुंभ हुआ करता था जो बीच में बंद हो गया था, और कल्पवास मेला, राजा जनक यहाँ कल्पवास के लिए आए थे, मंडन मिश्र आए थे, तो ऐतिहासिक धरती है ये, और इस धरती को, इतिहास को फिर से बहुत अच्छे तरीके से इस धरती का आप सौंदर्यीकरण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री सिमरिया धाम का, तो सारे लोगों में खुशी का इजहार है। और यहाँ पे मुक्ति धाम भी बन रहा है, जो उत्तर भारत से लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं, पवित्र भूमि है, तो बहुत लोगों में खुशी का है, पूरे बिहार के लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री कथनी और करनी में विश्वास रखते हैं। मैं भी पर्यटन कमेटी में था, तो माने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इसको विकसित किया जाए। पिछले साल में आया था तो यहाँ मन से भी बोला था माने मुख्यमंत्री इसको विकसित करेंगे, और देखिए आज ये करके दिखा दिया इन्होंने। उन्होंने एक बात कहा कि 24 से पहले करिए, 24 से पहले। देखिए, वो तो हर काम चाहते हैं कि जल्दी हो, डेढ़ साल समय है। माने मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको आप एक साल में ख़त्म कीजिए, ताकि जितना भी कुंभ मेला होने वाला भी है तो इसी साल, तो उसमें भी थोड़ा राहत हो जाएगा, लोग लैंडस्केपिंग हो जाएगा, अच्छा स्पेस हो जाएगा लोगों को बैठने आने जाने के लिए, तो बहुत ही अच्छी खबर है ये लोगों के लिए। बहुत हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है बेगूसराय की पावन धरती पे। 12 तारीख को बड़ी बैठक होने जा रही है बिहार की धरती पे। हाँ, एकदम होगा ही, और बिहार की धरती पे सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के आ रहे हैं, और बिहार की धरती हर समय परिवर्तन की धरती रही है, और आप देख लेंगे कि इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा और पूरे दुनिया में जाएगा इस बैठक का, और एकजुट हो रहे हैं सब लोग, हम लोग विरोधी दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। आप भाजपा को कड़ी शिकस्त देंगे 2024 के चुनाव में। भाजपा तो कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको एकजुट कर रहे हैं। खुद भ्रष्टाचारी हैं, वो क्या बोलेंगे? अडानी अंबानी के गोद में पड़े रहते हैं, वो सब किस मुंह से बोलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार नेता भारत वर्ष में आज तक अभी तक नहीं देखा था मैं अपने जीवन में, तो इसलिए इनसे कोई टक्कर लेने के लायक ही नहीं है बीजेपी में। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू विधायक संजीव कुमार थे। नीतीश कुमार से टक्कर लेने लायक कोई विधायक नहीं है। नीतीश कुमार ने आज बड़ी सौगात दी है बिहारवासियों को, कहे तो आज सिमरिया आए थे और शिलान्यास किया है, और एक साल में इसको पूरा भी करना है। जो भी होगा वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।